जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं डेरा सच्चा सौदा में ब्लड डोनेशन की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं ये लाइनों में किस जोश से ये लोग लगे हुए हैं खूनदान करने के लिए। नमस्कार, नाम क्या आपका? ज्योति सा। ज्योति जी, आप हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से लाइन में खड़े हो, किस पर्पज से ये लाइन लगी हुई है? पहले आज हमारे गुरुजी का बर्थडे है तो उसके लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और इसके लिए हमारे गुरुजी ने प्रेरित किया है। आज के समय की बात करें, कोई किसी को बाल तक नहीं देता, आप लाइन में खड़े हो रहे हो, इंतजार कर रहे हो ब्लड डोनेट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुजी सेंट डॉक्टर एम एस जी की बदौलत, मतलब उन्होंने हमारे अंदर इतना जज्बा भरा है कि हम ये सोचते हैं कि जब भी कोई भी हमारी लाइफ का कोई भी स्पेशल डे है तो हम ये सोचते हैं कि मानवता भलाई के कार्य करके वो डे मनाने हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन करना हो या फिर ट्री प्लांटेशन करना हो या फिर ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचाना हो या कोई भी, मतलब बहुत सारे कार्य। कितने समय से खड़े हो आप? मुझे यहाँ पर खड़े हुए 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो आप, तो क्या आपको लगता है कि गुरुजी ने समाज के लिए कुछ और भी कंट्रीब्यूट किया है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए आज के टाइम में अगर ये देखें कि वैल्यूज़ क्या है हमारे समाज की, तो वो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो वैल्यूज़ कहाँ से आती है? वैल्यूज़ या तो एजुकेशन से आएंगी या फिर कोई आपको मोटिवेट करे। तो आज की एजुकेशन क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोते बनाती है, सिर्फ और सिर्फ ये बनाती है पैसे कमाने की मशीन कैसे बनना है, तो वहाँ से वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो सेंट डॉक्टर एम एस जी की बदौलत ही आज मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें बाकी और कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से हम इतने मोटिवेट हुए हों। तो सिर्फ और सिर्फ यही डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम इतने मोटिवेट हुए हैं ये कार्य करने के लिए, क्योंकि आज की एजुकेशन तो आपको पता ही है कैसी है। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पैसे कमाने की मशीन बनना है, ये बनना है, तो वैल्यूज बिल्कुल कम होती जा रही है। आपको लगता है समाज को आज उनकी जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल जरूरत है, सेंट डॉक्टर एम एस जी की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो आजकल जो सिनेरियो है, मतलब जैसे कि जो लड़कियों के ऊपर जो क्या उनको इतना हरासमेंट किया जा रहा है, तो वैल्यूज कहाँ से आएंगी? बिल्कुल भी नहीं, मतलब कहीं और से आ ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा डर है, मतलब मैं अपनी अगर बात कहूँ, अगर मैं अपनी बात करूं तो लड़कियों को इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यहाँ से कि मतलब हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हमें अगर वैसे बोलते हैं कि भी आपका वेट कम है या फिर ऐसा, तो हम अपना ख्याल रखते हैं कि भी हमें अपना वेट गेन करना है तब जाके ब्लड डोनेशन कर पाएंगे। तो ये जज्बा गुरुजी की वजह से ही है। एक तरफ आप उनके इतने कार्य, उनकी मोटिवेशन अच्छी है, हम भी देख रहे हैं लाइन में लोग लगे हैं खून दान करने के लिए, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए गए उनके ऊपर, क्या कहोगे इसके? ये सब देखिए जो गलत लोग हैं, ये सब उन्हीं की मतलब जो बुराई है वो ये सोचेगी कि अच्छाई को कैसे कम किया जाए, तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत ही हुआ है। सरकार से क्या अपील करें? सरकार से मेरी ये अपील है कि सेंट डॉक्टर एम एस जी की हमें यूथ को और सारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन्हें मतलब अगर कोई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, हमारा देश अच्छा बने, हमारा यूथ अच्छा बने, तो सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा ऐसे प्लेस है जहाँ से बच्चों में मानवता भलाई के कार्यों का जज्बा भरा जा सकता है और वैल्यूज आ सकती है। थैंक यू सो मच। यूथ मांग कर रहा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा की समाज में वापस आने की। आप देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो काफ़ी 1-1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं खूनदान करने के लिए। ऐसी मिसाल आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी कि खूनदान करने के लिए लोग लाइनों में लगे हैं, यूथ भी लाइनों में खड़ा है कि हम दूसरों की मदद कर पाएँ, जिंदगियों को बचा पाएँ। और इसका कारण ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंसानियत के रास्ते पे चलाने के लिए मोटिवेट किया, और आज ये लोग मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि समाज में गुरुजी वापस आने चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।